गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आइए समझते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको आप मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, एंड वन एंड मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसमें एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होती हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, जिसको आप मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज भी होती है। इट इज़ ज्वाइन विद अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई होती है। तो आइए जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। जैसे यहाँ पे लिखा है सी डिनाइड, उसने मना कर दिया, दैट की सी हैड रिटर्न द लेटर, वो उसे उसने जो है वह लेटर उसने लिख चुकी थी, है ना, ऐसा कुछ है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, या सबसे पहले ये समझते हैं ये जो क्लॉज आ रहा है ये इसका क्या मतलब है। देखिए, क्लॉज में होता है टुकड़ा। अगर आप इस सेंटेंस को देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। यहाँ पे फुल स्टॉप आया है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये एक अलग टुकड़ा है और ये एक अलग टुकड़ा है। तो ये जो टुकड़ा है इसी को ही कहते हैं क्लॉज। क्लॉज में सेंटेंस का टुकड़ा। यहाँ पे देखिए, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। इधर वाले को देखो, ये एक सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है। तो ये एक अलग है और ये एक अलग है। ये दोनों छोटे छोटे क्या हैं, क्लॉज हैं। लेकिन कौन इसमें से सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन इसमें से जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, उसको समझते हैं। तो देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होती हैं जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा होता है। तो अगर आप इस वाले क्लॉज को देखें, सी हैड रिटन द लेटर, तो इससे पहले देखिए एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ी हुई है, दैट। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर दैट सी हैड रिटन द लेटर, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगी, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। जबकि इधर वाले में नहीं जुड़ा हुआ है, इधर वाला देखिए अलग है, इससे पहले कुछ भी नहीं है, है ना, यहाँ वन लिखा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सी डिनाइड जो है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। बात समझ में आई कि जहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा होगा उसी के आगे वाला जितना भी होगा बस पूरा का पूरा क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे लिखा है ही इज़ अ मैन होम ऑल वी ऑल रिस्पेक्ट। अब ही इज़ अ मैन, ये अलग क्लॉज है, वी ऑल रिस्पेक्ट ये अलग क्लॉज है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा है होम। होम क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जैसे यहाँ पे दैट आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन था। तो होम से लेकर और आगे तक का पूरा है ना, होम वी ऑल रिस्पेक्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जबकि इधर वाला क्या है, आपका ही इज़ अ मैन क्या है, आपका एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। ओके, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं उनके तीन टाइप होते हैं, पहला है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो नाउन के तरीके से काम करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो एडजेक्टिव के तरीके से काम करते हैं, और एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो एडवर्ब के तरीके से काम करते हैं। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में कल बात करेंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, और इस पे बेस कैसे सेंटेंस बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ओके, तो हम लोग जो है डेली एक ही दिन में सब कुछ नहीं पढ़ डालेंगे। पहले हम लोग नाउन क्लॉज समझेंगे, फिर एडजेक्टिव क्लॉज समझेंगे, फिर एडवर्ब क्लॉज समझेंगे। आइए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन समझ लेते हैं। कुछ मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसके जरिए आप समझ पाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने दिया है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में मैंने जो है एक छोटा सा वो दिया है, जैसे ये कंपाउंड की तरह नहीं होते हैं। कंपाउंड में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, फैना बॉय फैंस बॉयज की, या बॉय फैंस की, आप कुछ भी इसका लिख सकते हैं। और वहाँ पे जो है मैंने आपको टाइप्स भी बताए थे कि कम्युलेटिव है कि रिलेटिव है, लेकिन इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको सीधे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दी जाएगी। तो ये बहुत सारी होती हैं, ये एकदम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं जैसी नहीं होती हैं, ये बहुत होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहेंगे ओ से लिखा है ओनली इफ, है ना, और ओ से ही वंस है, एंड से देखिए नाउ दैट है, और ए से देखिए ऑल्दो है, आफ्टर है, ए से एज है, ए से एज इफ है, डब्ल्यू एच। अगर आप वाइट की स्पेलिंग देख रहे होंगे तो यहाँ पे आप देखिए डब्ल्यू वाइट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, डबल एच लगा रखा है मैंने इसलिए ताकि सेंटेंस बनाते बन जाए। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच से यहाँ पे डब्ल्यू एच वाले जितने भी है, जैसे वाइल है, वेन है, वेयर एज है, वेन एवर है, वेयर एवर है, वेदर है, और है, वेदर का आप यूज़ जानते हैं, है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट में आप कर भी चुके हैं। फिर ये देखिए एक और एच बचा, एक एक सिंगल एच से क्या होता है, हाउ होता है, हैंस होता है, और क्या है यहाँ पे टी है और ई है। तो यहाँ पे देखिए टी से क्या होता है, टी से क्या होता है, दो होता है ना, आई से इफ होता है, इन केस होता है, इन ऑर्डर दैट होता है, और ई से क्या होता है, इवन दो होता है, इवन इफ होता है, बी से आपका बिकॉज होता है, ओके, यू से अनटिल होता है, अनलेस होता है। इन सब की मीनिंग भी दे रखी है यहाँ पे, अगर आप मीनिंग देख पा रहे होंगे, हिंदी भी दे बता रखी है, ठीक है ना, तो आप
उसकी हिंदी से भी आप कर सकते हैं। कुछ और अदर भी सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ अदर सबॉर्डिनेट कंजंक्शन भी दी गई हैं, जैसे एज लॉन्ग एज मच एज सून एज एज दो इवन इफ ओनली जस्ट एज लेस्ट नाउ नाउ दैट रेदर देन सपोजिंग देन दैट टिल वाई एंड लास्ट क्या है व्हाट। तो इतनी सारी जो हैं वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस हैं ये हैं, और इससे पहले वाली जो मैंने बताई, तो जाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ों को याद नहीं किया जा सकता एक साथ, ठीक है ना। बस आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो आपकी जो आपको मैंने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बताया था है ना, वो थोड़ी सी थी, जबकि सबॉर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, ज़्यादा सी हैं। तो जो जब आप सेंटेंस बनाने चलिएगा तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो फैन बॉयज में जो जितनी भी कंजंक्शन आ रही थी, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन थोड़ी सी थी, वो जो आ रही थी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे ना आए, ठीक है ना। बाकी कोई भी कंजंक्शन आएगी वो आपकी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ की जा सकती है, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन वो कहलाएगी, ठीक है ना। तो सेंटेंस बनाते समय मैं एक चीज़ बताता रहूँगा, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस मैंने आप लोग को ये इसलिए बता दिया ताकि जो है आप इन सब चीज़ों को देख पाएँ समझ पाएँ, ठीक है ना। तो सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है, बस हिंदी हिंदी भी दी गई है, मैंने लिख दिया उसके आगे हिंदी। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा कल से, आज तो केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था। ओके, गुड डे।